हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक मैन डिजाइन बाय मोनिका। गाइस मैं हूँ मोनिका, आज मैं फिर आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके लिए फिर कुछ अमेजिंग ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको सिखाऊँ किस तरीके से हम घर पे कोन बनाते हैं। तो गाइज मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहे हो, बीच में वीडियो को स्किप ना करें जिससे आपको माइनर सी चीजें आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे आपको मेरे वीडियोज की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। गाइज अगर आपसे पिछली क्लासेस मिस हो गई हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके चेक करें। तो मैंने जो आज कोन बनाया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक बार। तो गाइज ये मैंने एक कोन प्रिपेयर किया है फ्रेंड्स। तो ये जो मैंने पॉलिथीन ली थी मार्केट में आपको अवेलेबल है, और मैंने केवल 3 टेप के कट्स इसमें लगाए हैं, 3 to 4, इससे ज्यादा मैंने नहीं लगाए हैं। तो आपको इस ट्यूटोरियल को बहुत अच्छे से केयरफुली सीखना है, और ये मेन इसका जो पॉइंट होता है ना, आपको ये ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से जो हमारा पॉइंट है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहे, तो अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक पॉलीथीन ली है, ये सीजर है एंड ये टेप है, और ये मैंने एक पेपर पेन ली है। तो आप पेपर पेन, अगर आपके घर में पेपर पेन नहीं है तो आप निडल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आज हम इन्हीं 4 चीज़ों से अपना कोन घर पे तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये एक एवरेज साइज का लेना है, ये पॉलीथीन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, और ये 6.5 इंच की है लगभग। तो गाइज ये इस तरीके से मैं इसके 2 फोल्ड कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, कोई मुझे बहुत इसको इसमें निशान नहीं बनाने हैं, सिर्फ ये आपकी नॉलेज के लिए। इस तरीके से मैंने 2 पार्ट किए, देन उसको फिर अगेन मोड़ दिया, तो ये 4 पार्ट में चला गया है, 1, 2। तो अब हम जो ये पेपर पिन है इसको क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है हम उस पॉइंट पे इसका पेपर पिन को ऐसे लगाएंगे, और जो इसका ऑपोजिट साइड है वहां से हम इसको कॉर्नर से पकड़ेंगे। तो इस तरीके से ये आपको अंदर के साइड, इसको जहां पे आपने पिन लगाया है वहां से आपको मोड़ना है, और इस तरीके से आपको उसको रोल करना है कि पिन जो है वो इस रोल के अंदर आ जाए, और आपको अंदर वाला जो जहां से हम लोगों ने स्टार्टिंग से पकड़ा है आपको वहां से धीरे धीरे से कोन आपको इस तरीके से घुमाना है। तो ये इस तरीके से मैं इसको धीरे धीरे से रोल कर रही हूँ, तो आपको आगे बहुत टाइट से नहीं पकड़ना जिससे आपका कोन पूरी तरीके से घूमने लगे। और ये इस तरीके से, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो ये इस तरीके से आपको पेपर पेन लेनी है, देन आपको ये इसके फर्स्ट पॉइंट पे रखना है, देन आपको ये फिर अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ना है। तो ये पेपर पेन यहाँ पे मैंने लगाई हुई है और मैं इसको धीरे धीरे से रोल कर रही हूँ। रोल करने के बाद अब जब मेरा ये लास्ट वाला जो पॉइंट बच रहा है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा दबा के मैं इसको ऑपोजिट साइड पकड़ लूंगी इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले टेप लगाएंगे। तो ये जो टेप मैं ऊपर के साइड लगा रही हूँ, ये इस तरीके से मैंने टेप लगा दिया है, और आपको कोन को धीरे से रोल करना है। जैसे ही हम रोल कर रहे थे, जो हमारा टेप है वो बिल्कुल पॉलीथिन की तरह रोल हो जाएगा, जिससे हमारी जो पॉलीथिन है वो इधर उधर कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होगी कि ऊपर नीचे चिपक जाए। तो इस तरीके से हमारा ये कोन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये मैंने जो फर्स्ट टेप लगाया, अब हम इसको और अच्छे से इसको टेपिंग कर देंगे जिससे कहीं से भी ये खुले ना। तो मैं इसका जो पॉइंट है ये और एक वहां पे अच्छे से टेप लगा रही हूँ, और इसको इस तरीके से मैं रोल कर दूंगी टेप को, जिस तरीके से मैं अभी कोन को घुमा रही थी। तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पर अच्छे से रोल कर दिया है, तो ये हमारा आगे से बहुत स्ट्रांग हो गया है। देन मैं एक टेप ऊपर के साइड लगाने वाली हूँ। तो ये मैं यहाँ पे सीजर के साथ लगा रही हूँ। गाइज जहां से हम लोग जब स्टार्टिंग में पकड़ के घुमा रहे थे, तो वहां से हम एक अंदर इस तरीके से टेपिंग कर देते हैं, वहां पे पतली सी, आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे लगा रही हूँ जिससे हम जब अंदर मेहंदी फिल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अंदर वाली जो लेयर होती है वो डिस्टर्ब करती है हमें, तो हम एक अंदर भी जाकर वहां पे लगा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये लगा दिया है जिससे ये हमें डिस्टर्ब ना करे। तो ये हमने अंदर से एक टेपिंग कर दी है, एंड मैं एक बार और टेप लगाऊंगी इसके अपर सेक्शन में,
देन इसके बाद हमारा कोन रेडी है। तो ये इस तरीके से मैं आपको फिर से एक कोन बना के दिखा रही हूँ। तो गाइज ये देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट पे पकड़ा है, मैं धीरे धीरे से इस तरीके से रोल कर रही हूँ कोन को, अंदर से पकड़ के आपको धीरे धीरे से रोल करना है। ये इस तरीके से मैंने रोल कर लिया है, ये आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं। और अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के मैं इसकी ऑपोजिट साइड पकड़ूंगी, देन मैं यहाँ पर भी इसको टेप लगा दूंगी, यहाँ पर भी। यहाँ पर टेप लगाने के बाद मैं कोन को रोल कर दूंगी फिर से, जिससे हमारी पॉलिथीन जिस तरीके से रोल हो रही थी, टेप भी हमारा उसी के अकॉर्डिंगली रोल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये रोल हो गया है। देन हम एक टेप और अच्छे से लगा देंगे आगे के साइड में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आगे बिल्कुल पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, आधा इंच के ऊपर मैंने टेप लगाया है। और ये इस तरीके से ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे। तो हमारा कोन जो है वो पॉइंट से एकदम स्ट्रांग हो गया है। अब ये एक टेप मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, जिससे हमारा कोन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, इधर उधर से पॉलीथिन कहीं से भी खींचेगी नहीं। तो इस तरीके से आपको भी लगाना है। और एक टेप मैं सीजर की हेल्प, इस तरीके से मैं सीजर की हेल्प से मैं अंदर एक टेप लगाऊंगी, जिससे हम जब अंदर मेहंदी फिल करें तो कहीं पे भी उसका जो अंदर का जो पार्ट है वो कहीं पे भी डिस्टर्ब ना करे। तो ये इस तरीके से गाइज मैंने ये अंदर लगा दिया है। तो फाइनली हमारा कोन प्रॉपर रेडी हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी ईजिली मैंने इस कोन को घर पे प्रिपेयर किया है। तो गाइज आप खुद से घर पे कोन बना सकते हैं। ये मैं इस तरीके से बना चुकी हूँ, आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि कैसा लगा आपको, कितनी हेल्प हो रही है इन कोन से। तो ये देखिए मैंने कुछ पहले से ही कोन बनाए हुए थे, तो ये मैं आपके सामने शो कर रही हूँ इस तरीके से। आप घर पे अपना कोन खुद से बनाएं और मुझे बताएं कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल। गाइज़ अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। और ये देखिए कौन कितना प्रॉपर बना है। तो गाइज कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूले। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।